जैसे कि आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में एक सीरीज चालू की थी जिसका नाम था बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। और पार्ट वन में हमने वेरियस फैक्टर को डिस्कस किया था, जैसे मार्केट कैप, पीई रेशियो और ईपीएस। और आज जो ये पार्ट टू है, उसमें हम लोग वेरियस फैक्टर को डिस्कस करेंगे, जैसे अपना एंटरप्राइज वैल्यू हो गया, पीबी रेशियो हो गया, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो अपन स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड में डिफरेंस क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फाइनेंस एक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था अपना मार्केट कैप के बारे में, अगर आपको कोई कंपनी में अपनी 100% ओनरशिप चाहिए तो जो मार्केट कैप है अराउंड कंपनी का, आपको उतना अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा ताकि उससे आप कंपनी की 100% ओनरशिप एक्वायर कर सकते हैं। एंटरप्राइज वैल्यू जो रहती है वो थोड़ी बहुत मार्केट कैप से लिंक रहती है। क्यों? एंटरप्राइज वैल्यू को फाइंड करने का फॉर्मूला रहता है मार्केट कैप माइनस कैश प्लस डेट। मतलब कंपनी के पास कितना कैश रिजर्व है वो अपन माइनस कर देंगे, और जो कंपनी के पास कितना डेब्ट है वो प्लस कर देंगे। जैसे हमने पिछले वीडियो में एग्जांपल लिया था आईटीसी का, उसका मार्केट कैप है अराउंड 2,60,000 रुपीज़, और कंपनी के पास मिनिमम डेब्ट है अराउंड 10 करोड़ का, और जो कंपनी के पास कैश रिजर्व है वो अराउंड 7,300 करोड़ रुपीज़ के। अगर हम लोग पूरा कैलकुलेशन करेंगे एंटरप्राइज वैल्यू का, तो वो वैल्यू आ रही है 2,51,000 करोड़ रुपीस, जो कि जस्टिफाइड है। मतलब कंपनी के पास लॉन्ग टर्म डेब्ट है नहीं पेमेंट का, कंपनी स्टेबल है काफ़ी हद तक। दूसरा एग्जांपल लेते हैं टाटा मोटर्स का। जो टाटा मोटर्स का मार्केट कैप है वो अराउंड है 1,00,000 रुपीस, 1,00,000 करोड़ का, ठीक है। लेकिन उसके पास डेब्ट है 1,20,000 करोड़ रुपीस का डेब्ट है, और कंपनी के पास अच्छा खासा कैश रिजर्व है अराउंड 34,000 करोड़ रुपीस का कैश रिजर्व है, लेकिन उसके एंटरप्राइज वैल्यू फिर भी उसकी मार्केट कैप वैल्यू से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास बहुत ज़्यादा डेब्ट है, और ये अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि अगर इसको कोई एक्वायर करेगा 100% तो वो 1,00,000 करोड़ में एक्वायर नहीं कर रहे कंपनी को, वो 1,86,000 करोड़ में एक्वायर कर रहे, क्योंकि उसको डेब्ट भी पेमेंट करनी पड़ेगी। सेकंड आता है स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड में। जो स्टैंड अलोन रहता है वो अपनी सिंगल कंपनी की डेटा शो करता है, उसने क्या किया प्रॉफिट में कि लॉस में। और जो कंसोलिडेटेड रहता है, कंसोलिडेटेड में ये चीज़ होती है कि वो अपने जो सिस्टर्स कंपनी रहती है, या फिर जो कंपनी एक्वायर की है, या जो कंपनी में उसने स्टेक है या इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसका डेटा शो करता है। जनरली हम क्या प्रीफर करते हैं? जनरली हम प्रीफर करते हैं कंसोलिडेटेड डेटा को। कंसोलिडेटेड डेटा को इसलिए प्रीफर किया जाता है क्योंकि इससे पता चल जाता है कि कंपनी की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है पीबी रेशियो। पीबी रेशियो को बोला जाता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। ये सिर्फ ऐसी कंपनीज में काम करते हैं जैसे कि जो कैपिटल इंटेंसिव रहती है, सीमेंट, पावर, या तो मशीनरी कंपनी हो गई, इसी में, क्योंकि कैपिटल ज़्यादा लगता है इन सबको रन करने में, प्लांट्स को रन करने में ज़्यादा कैपिटल लगता है। या तो इसका दूसरा मतलब भी ये हो सकता है, जैसे आप एक शेयर कंपनी का सेल करते हैं, तो मतलब कंपनी के पीछे आपका कितना कैश या एसेट है। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं टाटा स्टील का, कैपिटल इंटेंसिव कंपनी है, प्लांट्स मैन्युफैक्चर करना है पूरा, फिर उसको मेंटेनेंस करना है, ये सब कैपिटल मेंटेनेंस कंपनी है, ठीक है। इसमें जो कंपनी का जो रेट है वो है अराउंड 700 समथिंग, जो इसकी बुक वैल्यू है वो है अराउंड 658 रुपीज़, ठीक है, जस्टिफाइड है। क्योंकि अगर प्राइस का अपन देखेंगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब एक आईटी कंपनी लेते हैं, आईटी कंपनी जैसे एलएनटी इन्फोटेक, उसका प्राइस है अराउंड 4,000 रुपीज़, लेकिन उसकी बुक वैल्यू है अराउंड 350 रुपीज़। ये जस्टिफाइड नहीं हम बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी कैपिटल इंटेंसिव वर्क नहीं है, एक जगह लोग काम करते हैं, उसको प्लांट की मेंटेनेंस करनी नहीं है, कुछ करनी नहीं है, इसीलिए ये जस्टिफाइड नहीं बोल सकते, क्योंकि अपन इसको सिर्फ कैपिटल इंटेंसिव कंपनी में ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो और सीरीज़ अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी कुछ नया सीख सकते हैं। अगर आप हमसे सोशल मीडिया में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे अकाउंट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, और आप हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।